This story is brought to you by tapeatale.com. कुछ चीजें हमेशा मौजूद रहती हैं, चाहे हम ध्यान दे या ना दे, पर वो रहती है। जैसे हवा, रंग, संगीत, अकेलापन और प्रेम। इस लॉकडाउन में मैंने इस हर एक चीज को एक एक करके महसूस जरूर किया है। अब इनमें से वो पहली चीज जिसे कोई भी महसूस करे वो है अकेलापन। तो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। अब इस अकेलेपन से बचने के लिए मैंने एक किताब का सहारा लिया जिसमें बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ था कि यू विल फाइंड लव इन द प्लेस वेयर यू आर लीस्ट एक्सपेक्टिंग इट। और मैं हंस पड़ा, यार ऐसा तो सिर्फ किताबों में होता है। और तभी मेरा फोन बजा, देखा तो एक मैसेज था, हे कॉमा आर यू ऑल्सो रीडिंग 40 रूल्स ऑफ लव क्वेश्चन मार्क। अब यार कुछ देर पहले ही मैंने इंस्टाग्राम पर यह डाला था कि मैं ये किताब पढ़ रहा हूं, अब लॉकडाउन में भी मैं वैलिडेशन नहीं ढूंढू तो कब ढूंढू। खैर छोड़ो, मैंने तुरंत उस मैसेज का रिप्लाई किया, हे कॉमा यस आई एम ऑल्सो रीडिंग फुल स्टॉप। जब तक ये मैसेज डिलीवर होता इतने में मैंने उस मैसेज भेजने वाले शख्स की प्रोफाइल खोल ली। जो सबसे पहली तस्वीर मुझे नजर आई वो उस मोहतरमा की लाल साड़ी में खिलखिलाकर हंसते हुए थी। वैसे तो लाल रंग हमेशा से मौजूद है, पर उस लम्हे में लगा कि शायद ये अब तक का सबसे खूबसूरत रंग है। Although blue is my favorite color, पर जहन में ये बात आई कि यार हर एक नया दिन शुरू तो लाल आसमान से ही होता है। तो मैंने भी शुरू किया बातें करना उनसे, पहली फिर दूसरी फिर तीसरी, और ऐसी अनगिनत बातें करते करते हम दोनों को ये समझ आया और एहसास हुआ कि हमारे बीच कितना कुछ एक जैसा है। हमारी पसंद नापसंद सब कुछ एक जैसा है, इतना कि लगा जैसे हम दोनों के बीच बस एक आईना रहता है और कुछ भी नहीं। पहाड़ों पर घर है उसका, इस जादुई नगरी से मीलों दूर, मगर हम दोनों को कभी इस दूरी का एहसास हुआ ही नहीं क्योंकि लॉकडाउन में वक्त इतना था हमारे पास और दोनों को काटना था, तो सोचा क्यों ना साथ मिलकर बांट ले। वो बिल्कुल किसी खुली किताब की तरह है, मगर एक ऐसी भाषा में लिखी हुई जो शायद ही किसी को समझ आती है। पर गुजरते दिनों के साथ तोड़ मरोड़ कर ही सही मैं उसकी भाषा और उसकी रंगत में घुलने लग गया। बहुत सरल है वो, बहुत ही ज्यादा सरल। सच सवर कर जब भी निकलती थी तो बिना तस्वीरें खिंचाए नहीं मानती। अगर बेमन से खाना बनाती है तो अक्सर जला देती है, और हाँ टिकटॉक पर वीडियोस बनाती है मगर उन्हें कभी अपलोड नहीं करती। बस कभी कभार मुझसे शेयर कर देती थी और हर बार पूछती, बताओ ये कैसे है? और हर मर्तबा मैं बस यही जवाब देता कि यार काफी फनी है और थोड़े क्यूट भी। पर उसे ये नहीं बता पाता कि उन वीडियोस में तुम्हारी मुस्कुराहट और तुम्हारी बालों को देखकर मैं बस ये सोचता हूं कि वो हवा जो उसमें से होकर गुजरी है अगर वो कभी मुझ तक पहुंच पाए तो मैं हवा की मौजूदगी पर एतबार थोड़ा ज्यादा कर लूंगा। अब उससे बातें करते हुए करीब 2.5 हफ्ते हो गए थे। मैं अपने रूममेट के साथ उसके रूम में बैठकर प्रॉपर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके सरफरोश देख रहा था अपनी वही आमिर खान वाली। इसी बीच हर शाम किसी पुराने खत की तरह उसका मैसेज आया, फोन उठाया और मैं अपने कमरे में चल गया। बातों ही बातों में मैंने उससे पूछा कि हो सकता है दिसंबर के महीने में मैं तुम्हारे शहर आऊं, अगर मैं आया तो क्या तुम मुझसे मिलने आओगी? वैसे तो मेरे हर मैसेज का जवाब वो तुरंत दे देती थी, मगर इस मैसेज को सीन हुए करीब 5 मिनट हो गए थे, उसका कोई जवाब नहीं आया। मैं मन ही मन अपने आप को कोसने लग गया कि यार इतनी जल्दी क्या थी तुम्हें पूछने की, मगर मैं गलत था उसे पूछने में नहीं बल्कि खुद को कोसने में, क्योंकि उसका जवाब आया। जवाब में एक कॉफी शॉप का एड्रेस था और साथ में ये लिखा हुआ था कि अगर यहां मिलने आओगे तो जरूर। मैंने तुरंत रिप्लाई किया, शुड वी कॉल इट अ डेट क्वेश्चन मार्क। उसका जवाब आया, मे बी फुल स्टॉप। लगा जैसे धड़कने दिल से सरक कर कहीं गिर ना जाए, जैसे इतने दिनों बाद सांसों को तेज चलने की कोई वजह मिल गई हो, और जैसे जैसे अचानक मुस्कुराहट ने मुझसे जगह मांग ली हो मेरे चेहरे पर एक घर बनाने के लिए। इसी बीच धीमी सी आवाज में बगल वाले कमरे से एक गीत सुनाई दिया, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए और समझिए
जिंदगी क्या चीज है। ये गजल मैंने इससे पहले कम से कम 100 मरतबा सुन रखी थी, मगर उस दिन उस समय उसकी संगीत एक अलग ही जादू कर गया। आज पूरे 4 हफ्ते हो गए हैं हमें एक दूसरे को जानते हुए। कल दोपहर पूछे हुए मेरे मैसेज का आज शाम में उसने जवाब भेजा है। शायद वक्त लगता है ऐसा जवाब भेजने में। पूछा ये था मैंने उससे कि ये जो कुछ है हमारे बीच, ये चीजें ऐसी ही रहेंगी या बात आगे भी बढ़ेगी। जवाब दिया है उसने, पढ़कर सुनाता हूं। ये जो इस वक्त अभी है ये अच्छा है। मालूम नहीं जब जिंदगी वापस पहले की तरह चलने लगेगी तो ये वक्त उस उलझे हुए वक्त में अपनी जगह ढूंढ पाएगा भी या नहीं। अगर जो जगह मिल गई तो बात जरूर आगे बढ़ेगी, वरना जो अभी है ये वक्त तो हमेशा मौजूद रहेगा ही ना। और हां, दिसंबर में हम मिल तो रहे हैं ? वक्त हमेशा मौजूद रहता है, चाहे वो गुजरा हुआ ही क्यों ना हो, और उस वक्त में किया हुआ प्रेम भी हमेशा रहता है। ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद मालूम नहीं ये प्रेम रहेगा या नहीं, पर यह अकेलापन वो तो मौजूद रहेगा, और साथ ही मौजूद रहेगा उस अकेलेपन में ये भरोसा कि प्रेम हमेशा रहता है, चाहे वो हमारे साथ रहे या ना रहे। और हां, दिसंबर में हम मिलने जरूर वाले हैं। फुल स्टॉप।